हम आरंभ से कह रहे हैं ये महाराष्ट्र की सरकार और उनके मंत्री केवल धनवानों की सुनते हैं, धनवानों का काम करते हैं, गरीबों को यहां पर कोई न्याय नहीं मिलता, गरीबों को महाराष्ट्र के आम आदमी को इनकी सरकार और इनके मंत्री मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। यह बात अब हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के अपने 25 विधायक, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि मंत्री उन्हें समय नहीं देते। यदि महाराष्ट्र में बस से बदतर कांग्रेस के अपने विधायकों का यदि यह हाल है तो आम आदमी का क्या? पहले दिन से यह सरकार केवल एक ही खेल में व्यस्त है, वसूली वसूली और वसूली। तबादले हो, कोई टेंडर हो, हर मंत्री केवल देख रहा है कि वे अपना घर कैसे भरे। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार और सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं, यह सरकार गरीबों के हितों में काम कर रही है या सरकार केवल धनवानों के हितों के लिए बनी है? इस बात का जवाब ये महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। इनके आपसी झगड़ों के कारण, इनके आपसी संघर्षों के कारण, इनके वसूली वसूली खेल के कारण महाराष्ट्र का विकास पूरी तरह से ठप है।